नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गोंडा जिले से है, जहां दिवाली को लेकर प्रजापति समुदाय के लोगों ने मिट्टी के दीपक को बनाने का काम तेज कर दिया। घरों को रोशन करने के साथ ही अपने घर की खुशियां लाने के उम्मीदों से कुम्हारों का चाक घूमना शुरू हो गया। कुम्हारों दिन रात एक करके हुए मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए। आपको बता दें कि कुम्हार समाज के लोगों में अधिक से अधिक दिए बनाकर बेचने की होड़ लगी हुई है। श्रावस्ती के विकास खंड जमरूहा के पास प्राथमिक विद्यालय बरुहवा का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। आपको बता दें कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर जिलाधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के नगला दिलीप में एक विवाहिता का शव कमरे में पड़ा मिला। वहीं कमरे में विवाहिता का शव मिलने की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ससुराली जलों ने महिला की मौत पर हत्या की आशंका जताई है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? घर पे कोई ना हो, ये तो बाद में जब आई जब देखे वहाँ पे खत्म मिले खेतम काम कर रहे सब लोग। तो कैसे, मतलब घर में किस अवस्था में शव पड़ा हुआ था इनका? जी तो वहाँ पे बेड पर लेटी हुई है ये बालक, तो सब खेत काटे हुए गई। अच्छा, और यहाँ की सास घर में चौका दे रही, अकेली रह गई। अकेले कमरे में थी? हाँ। कब खत्म हो गई ये 4-5 बजे हुई है, कल शाम को। हाँ, पता नहीं लगा कैसे खत्म हो गई ना। दीपावली का त्यौहार आते ही ट्रेनों में जहरखुरानी सतर्क हो जाते हैं। आए दिन ट्रेनों में जहरखुरानी के मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल ने आज रेल यात्रियों को जहरखुरानियों और सुरक्षित यात्रा को लेकर जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड के बच्चों को माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। संदेश दिया है कि किसी भी लोगों का, अनजान व्यक्ति का खाना नहीं खाना चाहिए या कुछ भी लेकर खाना नहीं चाहिए। और हमने लोगों यात्रियों को जागरूक किया है कि स्टेशन पे सफाई रखनी चाहिए और चेन पुलिंग नहीं करनी चाहिए, रेल क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, तथा हम सभी लोग स्काउट्स ने जागरूक किया है। ये भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था हरदोई द्वारा REPF के साथ मिलकर के आज जनपद हरदोई में ये रेल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें खासकर यात्रियों को हमारे स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है कि कभी रेलवे लाइन क्रॉस न करें, किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ न खाएं न किसी को दें। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए हैं, गंदगी वहीं पर डालें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। और बिना टिकट यात्रा करने वालों को भी इन्होंने समझाया। फरीदाबाद में तिंगाओं के विधायक ने कार्यालय पर 27 अक्टूबर को होने वाली रैली में गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधायक ने सभी से अपील की कि 27 अक्टूबर को सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में रैली को सफल बनाने के लिए भारी से भारी संख्या में रैली स्थल पर पहुंचे, क्योंकि जन उत्थान रैली से ही जन जन का विकास संभव है। आने वाली 27 तारीख को हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी फरीदाबाद पधार रहे हैं और उस दिन ये यहाँ पर 2 दिन का एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सारे प्रदेशों के गृह मंत्री, उसमें कई मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों के पास गृह मंत्री का भी चार्ज है। सारे DGPs, सारे प्रदेशों के होम सेक्रेटरीज यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें भी एक मौका मिला कि हम भी एक विशाल जनसभा अमित शाह जी की फरीदाबाद में करें। तो उन्होंने हमारे आग्रह को माना और एक हम विशाल जनसभा यहाँ पर सेक्टर 12 में करने जा रहे हैं। उसी के तहत एक हमने अपने गांव की एक लोगों की मीटिंग बुलाई थी कि भाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएँ।
देवरिया में आगामी त्योहार दिवाली को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आज धनतेरस के दिन शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रभारी निरीक्षक समेत यातायात प्रभारी मौजूद रहे। अयोध्या में दीपोत्सव में गोल्डन स्टैचू चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे देखकर लोग सेल्फी लेने का मजबूर हो जा रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि स्टैचू के पीछे का दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा जो लोगों को यकीन दिला देता है कि जिसे आप देख रहे हैं वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक इंसान है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर आकर, बहुत अच्छा लग रहा और इसके बाद मैं देवी पाटन किया, मुंबई में किया, बहुत जगह किया हूँ जी। अच्छा, इसको कैसे इतना एस्टेब्लिश आप कैसे किए, इतनी देर तक खड़े रहते हैं? मैं तो इसको पहले 2-3 महीने पर स्टिक किया, इसके बाद में खड़े होने लगा। अलीगढ़ में गांव गंगई में नाली निर्माण के लिए एसडीएम गभाना ने गौशाला की दीवार तोड़वाने के बाद ग्रामीण और किसान आक्रोशित हो गए और एसडीएम की तानाशाही के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि गांव में नाली निर्माण होना था, जिसके लिए एसडीएम के आदेश पर सरकारी गौशाला की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसके बाद गौशाला के सभी गोवंश खेतों में भाग गए और किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। हमारे चंडौस के ब्लॉक चंडौस के जो गांव है गंगई जी, उसमें उससे हमें सूचना मिली थी कि वहां पर गौशाला तोड़वाई गई है जी। एसडीएम साहब ने जाकर पहुँच कर, तो हमारे वहां कार्यकर्ता भी थे, वहां तक सूचना पाकर हम सभी लोग वहां पर गए थे जी। और हमारे वहां जिला अध्यक्ष थे, ओपी कमांडो जी, और हम सभी पूरी टीम थी। तो वहां जैसे धरने पर पहुंचे और धरना दिया, हमने गांव के लोगों से पता लगा कि वहाँ के लोगों ने बताया कि एसडीएम गभाना, और उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम साहब ने कुछ दे के वो दीवार तोड़वा दी है गौशाला की जी। और वहाँ से जो है गौशाला की दीवार तोड़वाने के बाद जैसे ही हम लोग, हमारी टीम पहुँची, तो वहाँ से ये लोग वहाँ से भाग गए। बांदा में बलान गांव में एक पुरानी रंजिश के चलते दबंग ने अधेड़ को गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि दबंग के खिलाफ एक पुराने केस में पीड़ित अधेड़ गवाह था। वहीं घायल अधेड़ को परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने घायल अधेड़ को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं दबंग घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ये जो भंजन सिंह है, ये आज से करीब 3-4 साल पहले गांव की ही एक लड़की के ऊपर गोली चलाई थी और पुलिस वालों के ऊपर भी फायर किया। उसी में ये गवाह बने थे, उनका नाम बस उसी रंजिश को लेकर इन्होंने गोली चलाई। ये बल्लाल गांव के अतरा थाने के अंतर्गत आता है। इनके बाएं छाती में गोली लगी हुई है, मरीज को भर्ती कर दिया गया है और रिफर किया जा रहा है क्योंकि इनकी हालत गंभीर है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो